इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के कुछ टाइम के बाद में प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि प्रोटॉन की डिस्कवरी होने में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से भी ज़्यादा टाइम लग गया? इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करना आसान था, इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालना आसान था, इस वजह से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। लेकिन फिर उसके कुछ टाइम के बाद में प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जैसा अगर कोई निगेटिवली चार्ज पार्टिकल किसी एटम के अंदर प्रेजेंट होगा तो फिर उसका अपोजिट चार्ज भी होना चाहिए, और उसका अपोजिट चार्ज होता है प्रोटॉन। तो किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से वो एटम कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। जितना निगेटिव चार्ज उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है, उतना ही पॉजिटिव चार्ज उस पे प्रोटॉनों की वजह से होने की वजह से दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसके वजह से एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, किस तरह से प्रोटॉन को डिस्कवर किया गया। माई सेल्फ वेद विश्वकर्मा, योर केमिस्ट्री टीचर। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इसके पहले हम लोगों ने जो है कैथोड रेज और कैथोड रेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैथोड रेज से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, इन सारे चीज़ों के बारे में जान लिया है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से एटम के अंदर से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, और वो प्रोटॉन सारे के सारे एटम के अंदर प्रेजेंट होता है, इसको किसने डिस्कवर किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट करने पर क्या पता लगा था? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को करने पर यह पता लगा था कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब इनको बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज के पॉजिटिव सोर्स से रख दिया जाता है, तो क्या होता है, उन एटम्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो पॉजिटिव चार्ज एनोड की तरफ मूव करते हैं। तो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल एक बीम बनाते हैं, उस बीम को ही क्या बोला जाता है, कैथोड रेस बोला जाता है। अब चूंकि एटम के अंदर अगर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसके जस्ट अपोजिट चार्ज होना चाहिए। वो अपोजिट चार्ज क्यों ज़रूरी है? वो अपोजिट चार्ज इसलिए ज़रूरी है कि एटम हमेशा ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ना तो उसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज होता है, ना ही उसके ऊपर कोई निगेटिव चार्ज होता है। तो अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो उसके बदले में पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए, जिसके वजह से वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना रहे। अब क्या ये जो पॉजिटिव चार्ज है, क्या कई सारे पॉजिटिव चार्ज एक साथ प्रेजेंट हैं, या फिर अकेला ही पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि उन इलेक्ट्रॉनों के नेगेटिव चार्ज के अपोजिट के बराबर पॉजिटिव चार्ज रखता है? अब इन्हीं चीज़ों की बात कर रहे हैं हम लोगों को, किस तरीके से एटम के अंदर से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। तो कैथोड रे के जस्ट अपोजिट हमको प्रोटॉन को अगर डिस्कवर करना होगा, तो कैथोड रे से अपोजिट हमको क्या करना पड़ेगा, एनोड रेज को डिस्कवर करना पड़ेगा। तो जो एनोड रेज होती हैं, उनकी डिस्कवरी किसने की थी? एनोड रेज जो होती हैं, इसमें जो पार्टिकल होते हैं वो एनोड से कैथोड की तरफ मूव करते हैं, इसलिए इस पूरे एक्सपेरिमेंट को क्या कहा गया, इस पूरे एक्सपेरिमेंट को बोला गया कैनाल रेज। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी कैथोड रेज से, सेम वैसा ही सिस्टम यहाँ पर बनाना पड़ेगा। और उस सिस्टम में अब की बार क्या करना पड़ेगा, उस सिस्टम में ये देखना होगा कि क्या एनोड की तरफ से भी कोई रेज चलती हैं जो कि कैथोड की तरफ मूव करती हैं। तो ऐसा ही एक्सपेरिमेंट 1886 में किसने किया था, 1886 में गोल्डस्टीन ने किया था। 1886 में गोल्डस्टीन ने कैनाल रेज की डिस्कवरी की थी। इनका नाम कैनाल रेज क्यों पड़ा, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीज़न होगा। तो गोल्डस्टीन ने क्या किया, गोल्डस्टीन ने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कराया, किसमें, मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब। जो कैथोड रे ट्यूब था उसको उन्होंने मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करके उन्होंने कैथोड में कई सारे होल कर दिए, ताकि एनोड से निकलने वाली रेज कैथोड को पार करके उसके पीछे लगे जेडएनएस के पर्दे पर, जेडएनएस के कोटिंग पे जा कर के टकराएं, और अगर कोई रेज होंगी तो फिर वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, ग्लो प्रोड्यूस होगा। तो उन्होंने मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब से किसकी डिस्कवरी की, कैनाल रेज की डिस्कवरी की। और जो कैनाल रेज होती हैं,
इनमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ये कैनाल लेस किसकी बनी होती है, ये कैनाल लेस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की बनी होती है। तो ऐसा कुछ सेटअप था, जैसे कि कैथोड रेज में बहुत ही हाई वोल्टेज सोर्स यूज किया जाता है, तब उन एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और किसकी तरफ मूव करते हैं, एनोड की तरफ मूव करते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, इसी सिस्टम को लगाया गया, यहाँ पर भी हाई वोल्टेज लिया गया, बस केवल क्या किया गया, इस कैथोड रे को मॉडिफाई कर दिया गया और इस कैथोड में क्या कर दिया गया, कई सारे होल कर दिए गए ताकि एनोड की तरफ से चलने वाले पार्टिकल इन कैथोड के होल से निकल करके पार हो सके, और पार होने के बाद इसके पीछे जो है अगर ZnS वगैरह का, जैसे कि फ्लोरिसेंट और फास्फोरिसेंट मटेरियल का अगर इसके ऊपर कोटिंग होगी तो उनसे जब ये टकराएंगे तो ग्लो प्रोड्यूस होगा। तो इस तरीके से मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब के द्वारा क्या हुआ, कैनाल रे एक्सपेरिमेंट किया गया और इनसे निकलने वाली रेस को क्या बोला गया, चूंकि ये कई छोटे छोटे कैनाल से होकर के ये रेस निकलती हैं, इस वजह से इन रेस को क्या नाम दिया गया, गोल्डस्टीन ने इन रेस को जो है कैनाल रेस का नाम दिया। तो कैनाल रेस वास्तव में बनती कैसे हैं, आइए हम इनके बारे में बात करते हैं। जो कैथोड रेज होती हैं, कैथोड रेज वास्तव में क्या होती हैं, कैथोड रेज में दिखाया गया है कि इस कैथोड से निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और चूंकि इस ट्यूब के अंदर गैस भरी गई है तो गैसों के आयंस भी होंगे। अब डिफरेंट डिफरेंट गैस की बात कर लें तो उनके एटम भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है, जो भरी हुई गैस है वो कौन सी है, वो है हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या है, कई सारे हाइड्रोजन के एटम घूम रहे हैं। अब हाइड्रोजन के एटम के पास में क्या होता है, हाइड्रोजन के एटम के पास में सेंटर में एक प्रोटॉन होता है और उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता रहता है। जब ये कैथोड वाले फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, जब ये कैथोड रेस वाले फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इन एटम से टकराते हैं, तो टकराने के बाद क्या करेंगे, चूंकि इनके पास में काइनेटिक एनर्जी है, अब काइनेटिक एनर्जी है तो ये टक्कर मारेंगे हाइड्रोजन एटम्स को, और जब हाइड्रोजन एटम को टक्कर मारेंगे तो हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, टक्कर लगने के बाद में बाहर निकल जाएंगे। जब ये टकराएगा तो इन इलेक्ट्रॉनों से बोलेगा चल तू भी बाहर निकल, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने पर क्या बचा, अब इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों ही निकल करके एनोड की तरफ मूव कर गए, लेकिन बाकी बचा हमारे पास में क्या, एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर, जिसको कि क्या बोला हमने, जिसको कि हमने बोला प्रोटॉन, जो कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, उसी को प्रोटॉन बोला जाता है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन के आयोनाइजेशन से कई सारे पॉजिटिव चार्ज गैसियस आयन मिले, पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन मिले। अब ये पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन जो थे, जो प्रोटॉन थे, अब इन प्रोटॉनों के ऊपर इस एनोड की वजह से इनके ऊपर रिपल्सन लगेगा, यानी कि इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है और इन एटम्स के ऊपर भी, इन आयन्स के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये एनोड की तरफ से दूर हटते हैं और कैथोड, निगेटिवली चार्ज कैथोड की तरफ मूव करते हैं। तो इस तरीके से कैथोड के होल से होते हुए ये जो पॉजिटिव चार्ज आयन्स होते हैं ये पार करके पीछे जो ZnS या फिर कोई फ्लोरिसेंट या फास्फोरिसेंट मटेरियल जो इसके ऊपर कोटिंग होती है उनसे जाकर के टकराते हैं, और उनसे टकरा करके वो रेड कलर का ग्लो प्रोड्यूस कर रहे थे। तो इस तरीके का एक्सपेरिमेंट इसने करके देखा था, गोल्डस्टीन ने 1886 में करके देखा। तो उन्होंने देखा कि इन गैसों के आयनाइजेशन के वजह से कुछ रेस निकलती हैं, और वो रेस चूंकि कैनाल को पार करके निकलती हैं, इस वजह से उनको उन्होंने क्या दे दिया, उनको उन्होंने कैनाल रेस का नाम दे दिया गया। और ये कैनाल रेस और क्या कहलाती हैं, ये कैनाल रेस चूँकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर के बनी होती हैं और एनोड से कैथोड की तरफ मूव करती हैं, इस वजह से इनको और क्या कहा गया, इन रेस को एनोड रेस कहा गया। अब इस तरीके से जो है कैनाल रेस की डिस्कवरी हुई, बट कैनाल रेस के लिए जब गोल्डस्टीन ने E/m वैल्यू कैलकुलेट की, सेम किसकी तरह, सेम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की तरह, जब इनके लिए E/m वैल्यू, यानी कि इन आयंस का जो चार्ज है, चूँकि इन्हीं से ही होकर के ये जो कैनाल रेस हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं, तो इन पॉजिटिव चार्ज, ये जो पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन है,
इनके ऊपर जो भी चार्ज है और इनका जो भी मास है, जब उन दोनों के बीच का रेशियो निकाल करके देखा गया, तो रेशियो निकालने पर उनको ये मिला, गोल्डस्टीन को ये मिला कि जब हम गैस को चेंज कर देते हैं तो E बाई एम की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। गैस को चेंज करने पर क्या होता है, इस E बाई एम की वैल्यू चेंज हो जाती है। इसका मतलब ये है कि E बाई एम की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है गैस के चेंज करने पर। इसकी मीन ये हुआ कि ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं वो डिफरेंट डिफरेंट गैसों में डिफरेंट डिफरेंट पॉजिटिव चार्ज जो है प्रोड्यूस होते हैं, इसी वजह से उनका चार्ज और मास जो होता है वो डिफरेंट होता है। अगर इनका चार्ज और इनका मास डिफरेंट है, इसका मतलब है कि ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ पार्टिकल भारी थे और उनके ऊपर चार्ज कम था। तो इसका मतलब ये है कि अगर चार्ज पार्टिकल भारी हैं और उनके ऊपर चार्ज कम है, इसका मतलब ये है कि ये फंडामेंटल पार्टिकल लगभग सभी एटम के अंदर प्रेजेंट नहीं है। अब डिस्कवर तो हमको एक ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल को करना है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो और वो सभी जो है सारे के सारे एटम्स के अंदर में भी प्रेजेंट होता हो। तो गोल्डस्टीन ने केवल कैनाल लेस की डिस्कवरी की थी। गोल्डस्टीन ने उन्होंने ये भी देखा कि जब हम इसमें गैस हाइड्रोजन लेते हैं तो हाइड्रोजन के लिए E बाई एम की वैल्यू सबसे कम आती है, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्का नाभिक होता है और हाइड्रोजन जो है वो सबसे हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है वो सबसे हल्का न्यूक्लियस होता है, उसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। तो उस प्रोटॉन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज भी है, इलेक्ट्रॉन के बराबर अपोजिट पॉजिटिव चार्ज भी है, प्लस चार्ज भी है, और उसका मास सबसे कम है। तो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए इस E बाई एम की वैल्यू सबसे कम आती है। किसके लिए सबसे कम आती है? E बाई एम की वैल्यू जो होती है जब हम गैस हाइड्रोजन लेते हैं तो उसके लिए ही सबसे कम आती है। बट ये जो E बाई एम वैल्यू जो आ रही है सिर्फ हाइड्रोजन के लिए आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट गैसों के लिए इस E बाई एम की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है। अब वो किस तरह से डिफरेंट है, आगे हम इनके बारे में बात करते हैं। तो गोल्डस्टीन ने क्या किया, गोल्डस्टीन ने जो है कैनाल लेस की डिस्कवरी की, बट उन्होंने जो है हाइड्रोजन के न्यूक्लियस प्रोटॉन की, उन्होंने सिर्फ प्रोटॉन को देखा था, उसकी डिस्कवरी जो है उन्होंने नहीं की थी। यानी कि उन्होंने ये डिस्कवर नहीं किया था कि हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है वो हर एक एटम के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जो प्रोटॉन है वो हर एक एटम के अंदर प्रेजेंट है। इस बात को जो है गोल्डस्टीन प्रूफ नहीं कर पाए थे, इस बात को जो है दूसरे साइंटिस्ट रदरफोर्ड ने किया था। तो रदरफोर्ड को जो है प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्या जाता है, रदरफोर्ड को ही प्रोटॉन की डिस्कवरी का श्रेय जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं इन एनोड रेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और यहाँ से हमको क्लियर हो जाएगा कि डिफरेंट डिफरेंट गैसों के लिए ये जो E बाई एम की वैल्यू है, चार्ज अपॉन मास रेशियो की जो वैल्यू है, वो अलग अलग कैसे आती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैनाल रेस में सबसे पहले हम बात करते हैं, अनलाइक कैथोड रेस मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। यानी कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयन बनते हैं जिसके वजह से कैनाल रेस बनती हैं, तो कैनाल रेस जो होती हैं उनका जो मास होता है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, यानी कि ये गैसों के वजह से प्रोड्यूस होती हैं। जबकि कैथोड रेस कैथोड से प्रोड्यूस हो रही थी, बट जो कैनाल रेस होती हैं वो गैसों के आयन्स के वजह से प्रोड्यूस होती हैं। प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब दीज आर सिंपली द पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन। ये होती क्या है वास्तव में, ये जो कैथोड की तरफ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं इन गैसों से जब टकराते हैं तो इन गैसों को आयोनाइज कर देते हैं, और उन गैसों के आयोनाइज होने पर उनके इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल जाते हैं तो उनके पास में केवल पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस बचता है। वो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस ही एनोड से रिपेल होकर के कैथोड की तरफ मूव करता है और क्या बनाता है, एनोड रेस बनाता है। तो फिर ये सिंपली क्या होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन्स होती हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं, द बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल्स इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द ऑब्जर्व फॉर इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेस।
कैथोड रेज के जस्ट अपोजिट होती हैं ये, क्योंकि कैथोड रेज निगेटिवली चार्ज पार्टिकल की बनी होती हैं, जबकि एनोड रेज जो होती हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल गैसियस आयन की बनी होती हैं। तो अगर इनको मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो हम सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन होते हैं वो पॉजिटिव प्लेट से रिपेल होकर के किधर की तरफ मुड़ेंगे, ये जो है निगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ मुड़ जाएंगे। तो इससे ये पता लग जाता है कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सेम इसी तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या हो जाते हैं, ये किसी ना किसी पोल की तरफ मुड़ जाते हैं। ये एनोड रेज बनती कैसे हैं, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम इस ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो हाइड्रोजन को लेने पर क्या होगा, हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, जब ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इनसे टक्कर लगाएंगे तो क्या होगा, इनके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे और एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन जो है वो जनरेट होगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम इसमें हीलियम को लेते हैं तो हीलियम के पास में दो इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के पास में क्या है, हीलियम के पास में दो इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के वजह से हो सकता है कि जब टक्कर लगे उस टाइम पर हो सकता है कि हीलियम से केवल एक ही इलेक्ट्रॉन निकले, और एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन निकले। तो मान लेते हैं कि अगर हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो फिर क्या बना, He पॉजिटिव, यानी कि इसके पास जो इसका न्यूक्लियस बचा उसके पास में एक प्रोटॉन है, और क्या है, इसके पास में दो प्रोटॉन है और एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर हम हीलियम के लिए E/m यानी कि जब नली में भरी हुई गैस हीलियम लेते हैं तो हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन निकले, और हो सकता है कि इसमें जो है दो के दो इलेक्ट्रॉन निकले, तो हीलियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है। अब देखते हैं इस केस में E/m की वैल्यू क्या होगी। इस केस में E/m की वैल्यू जब हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बनेगा जो कि प्रोटॉन है, उस केस में जो E/m वैल्यू होगी इसके लिए, तो E/m वैल्यू हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के पास में एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इसके ऊपर मास ऑफ इसके ऊपर चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, और इसका जो वेट होगा वो एक प्रोटॉन के वेट के बराबर होगा, तो यानी कि EP/mP हम कर सकते हैं। हीलियम के इस आयन के लिए अगर हम बात करें तो इस आयन के ऊपर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, और चूंकि हीलियम का मास हाइड्रोजन के मास से कितने गुना भारी होता है, हीलियम का जो मास होता है वो हाइड्रोजन से 4 times हैवियर होता है, तो इसका जो मास है वो कितना हो गया, 4 mass of proton, यानी कि इसका मास जो है वो हाइड्रोजन के प्रोटॉन से 4 गुना ज़्यादा होता है। इस केस में E/m की वैल्यू क्या आएगी, जब इसके ऊपर 2 positive चार्ज होगा तो 2 positive चार्ज हो गया अपॉन इसका जो मास है वो 4 है। अब आप तीनों ही केस में देख सकते हैं कि इन तीनों ही केस में डिफरेंट E/m वैल्यू आती है। सबसे कम E/m वैल्यू आती है हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन का मास सबसे कम है, तो सबसे ज़्यादा E/m वैल्यू हाइड्रोजन आयन के लिए आती है। बाकी अदर डिफरेंट आयन के लिए ये वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू जो है वेरी करती है, और ये वैल्यू जो है उन सभी के लिए हाइड्रोजन के E/m वैल्यू से कम आती है। इसका फंडामेंटल पार्टिकल होने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, फंडामेंटल पार्टिकल होने के लिए उस छोटे से पार्टिकल के ऊपर, उस छोटे से मास वाले पार्टिकल के ऊपर ज़्यादा चार्ज होना चाहिए, तभी हम मान सकते हैं कि वो एक फंडामेंटल पार्टिकल होगा, और उस फंडामेंटल पार्टिकल के कई सारे पार्टिकल किसी एटम के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इस तरीके से जब डिफरेंट गैस लिए जाएंगे तो डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट E/m वैल्यू मिल रही थी। गोल्डस्टीन ने देखा कि केवल हाइड्रोजन के आयन के लिए सबसे ज़्यादा E/m वैल्यू मिल रही है, यानी कि हाइड्रोजन का पार्टिकल, हाइड्रोजन आयन सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, और वोल्टेज को चेंज करने पर भी वो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखाता है। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा E/m वैल्यू किसके लिए मिला, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के लिए मिला, प्रोटॉन के लिए मिला, बट वो प्रोटॉन को डिस्कवर नहीं कर पाए, क्योंकि अगर ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है तो फिर उसको इन बाकी अदर एटम्स के अंदर भी होना चाहिए था, इस बात को प्रूफ वो नहीं कर पाए। अब इस बात को प्रूफ करने के लिए फिर रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया।
रदरफोर्ड ये बात जानते थे क्योंकि प्राउट जो थे वो पहले ही बता चुके थे कि बाकी अदर जो एटम्स हैं वो हाइड्रोजन, उन सभी के अंदर हाइड्रोजन का न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्योंकि उनका जो मास है, जो एटॉमिक मास है, जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। बाद में इसको मोजले ने प्रूव किया कि हर एक एटम जो पीरियोडिक टेबल होती है, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट को व्यवस्थित किया गया है तो एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पर क्या किया गया है, क्रम से लगाया गया है। इसका मतलब ये है कि ये प्रोटॉन इन सारे एलिमेंट्स के अंदर प्रेजेंट है, किसी के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कुछ है तो किसी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कुछ है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो प्राउट की जो परिकल्पना थी कि सारे के सारे एलिमेंट जो हैं उनके जो एटम्स हैं वो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से मिलकर के बने हुए हैं, तो रदरफोर्ड जो थे वो इसी बात को डिस्कवर कर रहे थे। रदरफोर्ड ने 1911 में, उन्होंने 1911 में क्या किया था, उन्होंने 1911 में ही जो है अपना न्यूक्लियर मॉडल, एटम का जो न्यूक्लियर मॉडल है वो उन्होंने दे दिया था। उन्होंने बोला कि एक पॉजिटिव चार्ज सेंटर के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर काटते रहते हैं, बट प्रोटॉन की डिस्कवरी उसके काफ़ी टाइम के बाद उन्होंने ही 1919 में की थी। प्रोटॉन की डिस्कवरी कब की थी रदरफोर्ड ने? 1919 में की थी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये प्रूफ हुआ कि ये जो प्रोटॉन है वो बाकी अदर एलिमेंट के एटम में भी प्रेजेंट है और एक फंडामेंटल पार्टिकल है जो कि पॉजिटिव चार्ज अपने पास में रखता है। तो नेक्स्ट हम आगे देखते हैं इन कैरेक्टरिस्टिक, इन कैनाल रेस के कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या क्या हैं। तो कैनाल रेस के कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या क्या हैं? चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल डिपेंड ऑन द गैस फ्रॉम विच दीज ओरिजिनेट, यानी कि कैनाल रेस के लिए चार्ज अपॉन मास रेशियो उन गैस के ऊपर डिपेंड करता है जिससे ये ओरिजिनेट होते हैं। इनके बारे में हम बात पहले कर चुके हैं। सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैरी अ मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, यानी कि कुछ पार्टिकल के पास में एक से ज़्यादा जो है पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है एनोड रेस प्रोड्यूस हो रही हैं। ये जो ग्रीन कलर से है वो कैथोड को दिखाया गया है और जो ब्लू कलर से है उसको एनोड को दिखाया गया है। तो कैथोड से जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ग्रीन कलर के जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जब एटम के साथ टकराते हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेड कलर का ग्लो प्रोड्यूस होता है। अब ये रेड कलर का ग्लो जो प्रोड्यूस हो रहा है वो गैसों के आयोनाइजेशन को दिखाया गया है और गैसों के आयोनाइजेशन से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ये जो ब्लू कलर के पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं गैसों के आयन हैं, वो निकलते हैं और इस कैनाल से होकर के बाहर निकलते हैं और यहाँ पर जब किसी फ्लोरिसेंट मटेरियल से टकराते हैं तो यहाँ पर ग्लो को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से जो है एनोड रेस जो है बनती हैं और इसमें जब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जब डिफरेंट डिफरेंट गैसों के एटम से टकराएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट क्या निकलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट जो है पॉजिटिव आयंस गैसों के बनेंगे और इसी वजह से सबके लिए, हर एक डिफरेंट डिफरेंट गैस के लिए ई बाई एम वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो ये जो है कैथोड, ये जो है कैनाल रेस की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये सारी चीज़ें कैनाल रेस की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। और इसके अलावा स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट जो पॉजिटिव आयन मिला था गोल्ड स्टीन को वो हाइड्रोजन का था, जिसको कि क्या कहा गया, जिसको कि प्रोटॉन कहा गया। और लेकिन इस बात को प्रूफ किसने किया था, इस बात को जो है प्रूफ किया था रदरफोर्ड ने। तो चलिए हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैनाल रेस को एक बार ब्रीफली पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट जो है दे आर स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिव आयन ऑफ गैस इंक्लोज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस भरी हुई है उसके पॉजिटिव आयन ही मिलकर के कैनाल रेस बनाते हैं। मास ऑफ ईच आयन इज नियरली इक्वल टू द मास ऑफ एटम, जो आयन का मास होता है वो लगभग एटम के मास के बराबर होता है, यानी कि जो भी पॉजिटिव चार्ज है उसके सेंटर में वो पॉजिटिव चार्ज के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का जो वेट है, उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का जो वेट है उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास काफ़ी नेग्लिजिबल है।
सेकंड, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होते हैं और इनका डिफ्लेक्शन कैथोड रे के पॉजिटिव कैथोड रेस के अपोजिट होता है। चूँकि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की बनी होती हैं, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ मुड़ती हैं। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, कैथोड रेस की तरह भी ये जो है कैनाल रेस ये भी स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। वेलासिटी ऑफ कैनाल रेज इज मच स्मॉलर देन वेलासिटी ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज के जो पार्टिकल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन का वेट प्रोटॉन के वेट से काफ़ी जो है कम होता है, इस वजह से इनकी जो वेलासिटी होती है कैनाल रेज की जो वेलासिटी होती है एनोड रेज की जो वेलासिटी होती है वो काफ़ी कम होती है क्योंकि इसके पार्टिकल का मास काफ़ी ज़्यादा होता है। ये भी जो है कैथोड रेस की तरह फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देते हैं। दीज रेस कैन प्रोड्यूस फ्लोरिसेंस, जब ये किसी फ्लोरिसेंट मटेरियल से टकराते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, ग्लो प्रोड्यूस होता है। तो उन फ्लोरिसेंट मटेरियल के प्रेजेंस में हम क्या किसको देख सकते हैं, कैनाल रेस को देख सकते हैं। दे आयोनाइज द गैस थ्रू विच दे पास, ये जिस भी गैस से होकर के गुजरती हैं उन गैसों को ये आयोनाइज करने की क्या करती हैं, कैपेसिटी रखती हैं, उन गैसों से इलेक्ट्रॉन को निकालने की कैपेसिटी रखती हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे कैनाल रेस के जिसके बारे में हम लोगों ने ब्रीफली जो है पढ़ा। नेक्स्ट इसके बाद में हम बात करते हैं कि किस तरह से प्रोटॉन की डिस्कवरी जो है रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अल्फा पार्टिकल को लेकर के हवा में ही उनको बमबारी कराई, यानी कि एयर जो है एटमॉस्फेयर में जो एयर है इस एयर से उन्होंने क्या किया, इस एयर के अंदर उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बमबारी की। नीचे से उन्होंने अल्फा पार्टिकल को छोड़ा और वो अल्फा पार्टिकल जो थे वो एयर के साथ जा करके कोलाइड करते थे और उन्होंने देखा कि जब एयर के साथ में अल्फा पार्टिकल टकराते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है, उन्होंने देखा कि उन्होंने डिटेक्टर के ऊपर उन्होंने देखा कि कुछ प्रोटॉन जनरेट हुए, प्रोटॉन जनरेट हुए जो कि जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जनरेट हुआ। उन्होंने देखा कि जब एटमॉस्फेयर में अल्फा पार्टिकल की बमबारी की जाती है तो उस टाइम पर हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जनरेट होता है। जैसा कि प्राउट ने बताया था कि हर एक एलिमेंट के अंदर जो है जो हर एक एलिमेंट है वो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से मिलकर के बना हुआ है। अब उन्होंने ये देखा कि अल्फा पार्टिकल चूँकि एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज़्यादा जो गैसें होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट जो होता है वो होता है नाइट्रोजन का। सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका होता है, सबसे ज़्यादा अमाउंट एटमॉस्फेयर में होता है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है, नाइट्रोजन जो है वो लगभग होती है 78%। तो अल्फा पार्टिकल नाइट्रोजन के साथ में टकराते थे और अल्फा पार्टिकल नाइट्रोजन के साथ में टकराने पर क्या होता था, अल्फा पार्टिकल उन्होंने सोचा कि अल्फा पार्टिकल जो था जब वो नाइट्रोजन के साथ टकराता है तो उसके एक प्रोटॉन को बाहर कर देता है और नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है कार्बन में। नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन में और उसमें से एक प्रोटॉन बाहर निकल जाता है। तो उन्होंने जो है 1919 में अल्फा पार्टिकल की बमबारी की एटमॉस्फेयर में और एटमॉस्फेयर में उन्होंने देखा कि नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है कार्बन में और उसमें से एक प्रोटॉन निकल जाता है। तो अगर एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन में से ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस निकल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो फंडामेंटल पार्टिकल है जो कि प्रोटॉन है वो प्रोटॉन बाकी अदर एलिमेंट के अंदर भी प्रेजेंट है। यानी कि गोल्ड स्टीन ने जिन प्रोटॉन की डिस्कवरी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में, कैनाल रे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जब हाइड्रोजन को लिया तो उनको भी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस मिला और जब रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उस टाइम पर उनको भी एटमॉस्फेयर की एयर में क्या मिला, एटमॉस्फेयर की एयर में हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ही मिला। लेकिन वो न्यूक्लियस जनरेट किससे हो रहा है, इस बार वो न्यूक्लियस जनरेट हो रहा है नाइट्रोजन से। इसका मतलब यह है कि ये जो प्रोटॉन है हाइड्रोजन के न्यूक्लियस ये बाकी अदर एलिमेंट में भी प्रेजेंट हैं और इनके ई बाई एम वैल्यू से ये कंफर्म हो गया था कि ये प्रोटॉन ये जो पार्टिकल है वो प्रोटॉन ही है। तो
रदरफोर्ड ने जो है ये प्रूव कर दिया था कि ये जो फंडामेंटल पार्टिकल हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है वो बाकी अदर एलिमेंट के अंदर भी प्रेजेंट है। अगर ये नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर हो सकता है जिसको कि अल्फा पार्टिकल निकाल करके बाहर कर रहा है, तो ये बाकी अदर एलिमेंट में भी प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से जा करके ये प्रूफ हुआ कि जो प्रोटॉन होता है वो बाकी अदर एलिमेंट के न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट होता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो 1919 में रदरफोर्ड ने ये प्रूव किया था कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बाकी अदर एटम के न्यूक्लियाई में भी प्रेजेंट होता है। और रिजल्ट इसी रिजल्ट को यूजुअली डिस्क्राइब किया जाता है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के रूप में। बट यहाँ पर ही जो है ये बातें कंप्लीट नहीं हो जाती। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की डिस्कवरी तो कर ली कि प्रोटॉन बाकी अदर एलिमेंट के भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, बट वास्तव में जो रिएक्शन उस टाइम पर उन्होंने प्रिडिक्ट की थी कि ऐसा कुछ होता है, वो रिएक्शन वास्तव में ऐसी नहीं थी। 1919 के बाद में उनको काफ़ी टाइम लग गया, 1925 में उन्होंने देखा ब्रैकेट एक एक्सपेरिमेंट था ब्रैकेट, और उसके जरिए जो है जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को देखा, जब उन्होंने एटमॉस्फेयर में जब अल्फा पार्टिकल की बमबारी होती है तो जो क्लाउड बनता है, मतलब एटम्स जो बन रहे थे उन एटम के क्लाउड को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि ये कार्बन ना हो करके कोई दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है। वो एलिमेंट क्या है? वो एलिमेंट जो है ऑक्सीजन है। तो 1925 में उन्होंने जो है उस रिएक्शन को फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन जो है बोला। उस रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो नाइट्रोजन होता है 7N14, जब इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल टकराएगा, अल्फा पार्टिकल यानी कि 2He4, जब ये अल्फा पार्टिकल इस नाइट्रोजन के साथ में टकराएगा तो क्या बनेगा, तब बनता है ऑक्सीजन का आइसोटोप। तो O8, यहाँ पर कितने प्रोटॉन हैं, 7 और 2, O8, और यहाँ पर एक प्रोटॉन जो है वो बाहर निकल गया, O8 बना। अब इसके बाद देखते हैं 14 प्लस 4, यहाँ पर टोटल कितने मास नंबर क्या है इसका, 14 प्लस 4 18 है, 18 माइनस 8 अगर करते हैं तो क्या बन रहा है, 10। तो यहाँ पर जो है 14 प्लस 4 ये हो गया 18, और यहाँ पर जो मास नंबर है वो 17 बचा। टोटल कितने न्यूट्रॉन है, यहाँ पर टोटल नाइट्रोजन के पास 7 न्यूट्रॉन है और यहाँ पर न्यूट्रॉन जो है 2 हैं, तो 7 और 2 न्यूट्रॉन होने चाहिए। अब यहाँ पर जो है इस रिएक्शन में देखते हैं तो ऑक्सीजन के पास में 8 प्रोटॉन हो गए और एक प्रोटॉन बाहर निकल गया, 7 प्लस 2 प्रोटॉन यहाँ पर थे, यहाँ पर भी जो है 8 प्लस 1 जो है 9 न्यूट्रॉन हो गए और 9 प्रोटॉन हो गए। और अगर हम न्यूट्रॉनों की बात करें तो 7 प्लस 2 कितने न्यूट्रॉन हो गए, 7 प्लस 2 9 न्यूट्रॉन हो गए, 17 माइनस 8 यहाँ पर भी कितने हुए, यहाँ पर भी जो है 9 न्यूट्रॉन हो गए। तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन है इसी रिएक्शन को क्या बोला गया, इसी रिएक्शन को फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन जो है बोला गया। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इस फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन को जो है करा करके देखा था रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल की फ्री एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर बमबारी करा करके। तो इस तरीके से जो है किसकी डिस्कवरी हुई, इस तरीके से जो है रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था किसको, प्रोटॉन को, और इस फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन को 1925 में रदरफोर्ड ने ही करेक्ट किया था। तो इस तरह से जो है प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, और प्रोटॉन की डिस्कवरी किस तरह से हुई इसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब लास्ट हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो भी नेगेटिव चार्ज था उसको बैलेंस करने के लिए न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है। लेकिन ये जितने होता क्या है, एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सेम उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज होता है एक प्रोटॉन के ऊपर उतना ही क्या होता है, एक प्रोटॉन के ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज कितना होता है प्रोटॉन के ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो होता है +1.6 × 10⁻¹⁹ ये तो हो गया चार्ज ऑन प्रोटॉन। और अगर हम बात करें मास ऑफ प्रोटॉन की, तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो एक प्रोटॉन का जो मास होता है 1.67 × 10⁻¹⁹
10^-27 kg एक प्रोटॉन का मास जो है इतना होता है। तो प्रोटॉन का चार्ज इतना, प्रोटॉन के ऊपर मास इतना होता है। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पता लगा, प्रोटॉन का मास जो है इसको डिस्कवर किया गया। लेकिन अब एक पार्टिकल की और भी ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जो एटम है उन एटम का जो एटॉमिक मास है, एटम का जो एटॉमिक मास है और एटम का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जो प्रोटॉनों का वेट आ रहा था और जो एटम का वेट आ रहा था, वो दोनों चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी, दोनों चीज़ें एक दूसरे से वेरी कर रही थी। इसका मतलब ये था कि प्रोटॉनों के अलावा कोई और भी पार्टिकल ऐसा ज़रूर प्रेजेंट है जिसके पास में कोई भी चार्ज नहीं है, और इसी वजह से ये जो वेरी कर रहा है मास नंबर और एटॉमिक नंबर, ये वेरिएशन आ रहा था। तो फिर इस पार्टिकल की भी डिस्कवरी होनी शुरू हुई, और इस तरह से जो है न्यूट्रॉनों की डिस्कवरी हुई। तो न्यूट्रॉनों की डिस्कवरी किस प्रकार से हुई ये जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप लोग जो है इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ कि किस तरह से न्यूट्रॉनों की डिस्कवरी हुई। तब तक के लिए बाय।